केंद्र और प्रदेश की सरकारें गांव देहात में सड़कों और पुलों का जाल बिछाने के बड़े बड़े दावे करती हैं, जहां योजनाओं की भरमार है, सड़कों का निर्माण भी हो रहा है। इसके बावजूद बाराबंकी जिले के ग्रामीण इलाके में मौजूद एक लकड़ी का पुल विकास का आईना दिखा रहा है। नदी के ऊपर बना दशकों पुराना लकड़ी का पुल लोगों के लिए जानलेवा बना हुआ है, क्योंकि इसी पुल के सहारे स्कूली बच्चे और ग्रामीण आते जाते हैं और यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत डर लगता है यहाँ गिरने के, बहुत फिर पुल हारता दौड़ता है, बहुत डर लगता है घर के, फिर मम्मी पापा बहुत घबराते हैं, यहाँ बहुत डर लगता है, पुल बहुत बिच्चम हारता है। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ स्वराज संवाददाता भोलानाथ जुड़ गए हैं। तो भोलानाथ, ये आखिर लकड़ी का पुल इतने समय से इस्तेमाल हो रहा है, आखिर यहाँ पर कभी पक्का पुल क्यों नहीं बन पाया? लोगों ने मांग तो की होगी, लेकिन अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों के क्या जवाब रहते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये कल्याणी नदी का मामला है, जहाँ पर लकड़ी का पुल ग्रामीणों के द्वारा तैयार किया गया है। और जनप्रतिनिधियों की बात करें तो हर जब भी चुनाव आता है तो जनप्रतिनिधि वोट के बाद जाते हैं, वोट के बहाने लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम अगली बार जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पुल का निर्माण करवाएंगे, लेकिन वो सब ग्रामीण है उसी पुल पर निकलने को मजबूर है। स्कूल जाते हैं वो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उसी पुल से जाते हैं, जब भी मतलब देखा जाए तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा उस पुल की वजह से हो सकता है। जी बिल्कुल, इसके बावजूद किसी को सुध लेने की फुर्सत नहीं है, शायद किसी बड़े हादसे का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। शुक्रिया इस बातचीत के लिए।